नमस्कार दोस्तों, मैं से टेलीकॉम से दुर्गेश और हमारे साथ है मिलन सर। यस। और हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट इसलिए हैं क्योंकि आज इनका लास्ट डे है, फेयरवेल का डे है। हमने रिव्यू हर एक दिन का लिया है तो आप लाइव में भी जा करके देख सकते हैं। हम ये नहीं पूछने वाले, हम थ्रू आउट ये पूछने वाले हैं कि इनका फर्स्ट डे से लेकर अभी तक का सफर कैसा रहा और यहाँ का डिसिप्लिन कैसा रहा। चलिए अपना नाम बताइए। सर नमस्ते, मेरा नाम अंगूर सिंह। कहाँ? मैं यूपी गाजियाबाद से। आप जी? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। आप कहाँ से? मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। आप कहाँ से? जी मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। चलिए ठीक है, तो बताइए सबसे पहले एक चीज़ बताइए, यहाँ का डिसिप्लिन कैसा है? सर डिसिप्लिन इतना अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है तभी हम सीख पाए सर। तो डिसिप्लिन होना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल सर, डिसिप्लिन के बिना तो काम हो ही नहीं पाएगा। तो अगर हम आपको कंधे पे हाथ रख के या फिर ऐसा कुछ पढ़ाते तो नहीं? नहीं नहीं, अगर ऐसा नहीं सर, सपोर्ट है सारे टीचर्स की और मतलब शेड्यूल, टाइमिंग शेड्यूल और सिखाने के सब मतलब बहुत अलग है सर, एकदम। ये केवल स्टूडेंट के लिए है कि यहाँ पे जितने टीचर्स हैं उनके लिए भी? सबके लिए है सर, सर हमारे जितने टीचर्स हैं वो भी सब रूल्स फॉलो करते हैं, टाइम पे आते हैं सर। आपका कैसा? बहुत अच्छा रहा सर, शुरू से लेकर लास्ट तक के जो भी था मतलब हमने बाकायदा अच्छे से सीखा है। चलिए मैं अब बात करता हूँ दियो सर के साथ, हार्डवेयर का सेक्शन कैसा रहा आपका? सर देखो हार्डवेयर की तो ऐसी बात है, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे फर्स्ट क्लास थी तो सर ने बताया कि पीसीबी काम करना, तो मुझे पता ही ना कि पीसीबी होवे क्या है, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ी तो तब मालूम हुआ कि अच्छा पीसीबी सब बोलते हैं। नेटवर्क सेक्शन, डेव सेक्शन जो इतना बड़ा सेक्शन होता है वो कैसा लगा? सर देव सर ने पहले बोल दिया क्लास लेने से पहले कि एकदम हलवा कर दूंगा जी, तो सर वो ही मतलब बिल्कुल ऐसी हुआ बिल्कुल। आपका कैसा रहा देव सर के साथ? सर बहुत अच्छा रहा, सर ने बहुत ईजी किया सभी सेक्शनों को सिखाने में, पूरी पूरी मेहनत की हमारे साथ और अपना बेस्ट दिया है हम लोगों को। बेस्ट आप जो सोचे थे वो चीज आपको भी मिला कि नहीं? उससे भी बढ़ के मिला है सर, अपना बेस्ट से बेस्ट सर ने दिया है ईजी वे में। चलिए ठीक है, तो मैं अब बात करता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सर सॉफ्टवेयर या एमएमसी की बात हो तो सर इतना ईजी हो गया क्योंकि नाम ही सुना था UFI, लेकिन अब यूज करना भी अच्छे से मिलन सर ने हमें बहुत अच्छे से बता दिया। चलिए ठीक है, तो बताइए आपका सॉफ्टवेयर का सफर कैसा? बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। चलिए आता नहीं था पहले, अब तो सब कर लेंगे। ओके अब मैं बात करूँ, मिलन सर के साथ क्लास हुई थी जिसमें आपका ब्लैक पेस्टर डुअल टेकर और प्रोग्रामिंग की क्लास थी, तो कैसा रहा आपका? सर डुअल टेकर तो मतलब कि डर निकल गया, नाम सुना दे कि डुअल टेकर करना तो पहले ही डर लगेगा कि डुअल टेकर करना कहीं सेट खराब तो ना हो जाए, लेकिन फर्स्ट पहली बार सर ने कराया और फर्स्ट टाइम में ओके कर दिया। ओके कर दिया यहाँ पे। आपका कैसा रहा सफर? फर्स्ट टाइम में सर बहुत अच्छा बना, फर्स्ट टाइम में इतनी ईजी वे में सर ने हमें बताया। और अगर हम किसी चीज़ की एमएमसी चेंज की बात करें या फिर प्रोग्रामिंग की बात करें तो सब काम करेंगे सर, अब तो अब सब काम करेंगे, सब काम करेंगे जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो अब कुछ मिलन सर पूछेंगे कि इनका साथ कैसा रहा थ्रू आउट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये लोग क्या लास्ट दिन है, और लास्ट दिन मतलब ऐसा होता है कि जाने वाले दिन होते हैं, और जाने वाले दिन में रिव्यू इसीलिए लेते हैं कि ताकि कोई अगर कुछ छूट जाए तो उसके बारे में आप बातचीत करेंगे। तो जैसे आप सबसे पहले काउंसलिंग क्लास में आए, काउंसलिंग क्लास में आने के बाद आपको क्या फील हुआ था कि मुझे यहाँ सीख पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, आप क्या बोलेंगे? सर मतलब जब यहाँ से काउंसलिंग क्लास हुई तो मतलब एक दो दिन तो ऐसा लगा कि मतलब कभी हमारे पैसे भाई ऐसे ही ना चले जाए, वेस्ट ना चले जाए। फिर मतलब आने के बाद जब हमारी फर्स्ट डे क्लास हुई उसके है कि हमारे पैसे तभी वसूल हो गए, हमने रिबॉलिंग करी CPU मतलब फ़ोन ऑन से निकाल के CPU लगाया, पावर लगाई, तो फिर अपना इसी तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ता था अपना, आज मतलब जो आए थे सोच के उससे भी बहुत कुछ ऊपर मिला। चलिए मैं पूछना चाहता हूँ कुछ चीज़, जैसे आपने यहाँ पे पावर IC लगा के वो फ़ोन चालू किए हैं? यस सर। CPU लगा के चालू किए जी, 4G हैंडसेट से। 4G हैंडसेट। चलिए मैं बात करूँगा जो सेक्शन वाइज क्लास हुआ है आपका, आपका भी यस सर, कोई सेक्शन ऐसा गेंद तो नहीं गया है जिसमें लाइव आप लोगों के फ़ोन में काम नहीं हुआ? ऐसा कोई सेक्शन नहीं गया जिसमें हमने लाइव नहीं किया सर, जितना भी मतलब जितने भी सेक्शन से हर सेक्शन में हमने सर लाइव ही किया है, फ़ोन मतलब ऑन फोन में ही हमने जो भी है वो सारा काम किया है बाय सेक्शन, जो भी हमारा सेक्शन था EMMC का, तो EMMC का किया है, सॉफ्टवेयर का है तो सॉफ्टवेयर का किया है, बाय प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों सर बहुत अच्छे से। और उसके बाद आपने जैसे ही देव सर का डेट सेक्शन खत्म हुआ उसके बाद दुर्गेश सर से मिले, दुर्गेश सर में आपको सॉफ्टवेयर अटेंड करवाया, सॉफ्टवेयर क्लास कैसा रहा? बहुत अच्छी सर, मतलब सॉफ्टवेयर वैसे तो मतलब जो हम मैं तो एज ए फ्रेशर हूँ बट मैं सोचता था कि सॉफ्टवेयर कोई, मैंने पूछा आने से पहले भी एक बार मैम से, मैंने पूछा जब मेरी स्टार्टिंग में यहाँ आने के लिए रेडी था तो मैंने मैम से पूछा मैम सॉफ्टवेयर भी सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने दिन में सॉफ्टवेयर कैसे सिखा पाएंगे, पर हमारे सर ने 3 दिन में हमारा पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर करा दिया सर। चलिए तो उसके बाद आपने पेस्टर IC में काम किया और MMC प्रोग्रामिंग की, अब पेस्टर IC खोलने में कोई डर नहीं सर? अब कोई डर नहीं है अब तो आपको? नो सर बिल्कुल नहीं है सर। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ EMMC की क्लास कैसे रही आपकी? सर बहुत अच्छी है, देखो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आदमी एकदम तो एक्सपर्ट नहीं होता
होता है, बट जो तरीके हैं ना उस तरीके से हम काम करेंगे ना, अभी तो हमने 3 या 4 डेज मतलब एक सेक्शन पर काम किया है, उसके बाद अगर हम अपना खुद जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो सर बिल्कुल सुपर। EMMC क्लास में हर एक चीज़ आपको लाइफ मिला है, लाइफ लाइफ जो भी काम हुआ है आप ही लोगों के हैंडसेट में काम हुआ? जी सर, सेल्फ भी हमारे सेल्फ हैंडसेट थे, उन्हीं में हमने मतलब EMMC निकाल ली, उसको रिबोल किया, फिर अमाउंट किया सर, और हमारा हैंडसेट जो है ना उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो गई। अच्छा मुझे ये बताइए कि लास्ट दिन आपने क्या किया? लास्ट दिन सर डुअल डेकर किया हमने। आपने डुअल डेकर? डुअल डेकर सर, डुअल डेकर, डुअल डेकर जो प्रोसेस है, क्या लोग मार्केट में ये हलवा बना के रखे हैं कि डुअल डेकर मतलब एक हार्ड काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लगा क्या हार्ड? नॉर्मल है जैसे जो एशिया टेलीकॉम नहीं आएगा उसके लिए तो हार्ड ही है सर, जो एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट है उसके लिए तो नॉर्मल ही है सर। आने वाले स्टूडेंट के लिए आप चारों से ही बोलना चाहता हूँ कि आने वाले स्टूडेंट के लिए आपको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या तैयारी करके आए हो? सर मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि अगर अपने आपको कोई भी फ्रेशर मानता है कि हर चीज़ डिफिकल्ट लगती हो तो वो एशिया टेलीकॉम आए, मोबाइल फील्ड में एशिया टेलीकॉम से अच्छा कोई टेलीकॉम नहीं है। आप क्या तैयारी करने बोलेंगे, कैसा क्या प्रिपरेशन लेने बोलेंगे आने से पहले इस लाइन में? सर अगर किसी को एक्सपर्ट बनना है तो सिर्फ ओनली ऑन एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करे, अदरवाइज कहीं और ना जाए, पैसा बर्बाद करे और टाइम भी, यहाँ आके सब वसूल हो जाएगा, पैसा भी और काम भी, एक्सपर्ट बनेगा काम। चले थैंक यू वेरी मच आप सबको, और आशा करता हूँ आप लोग अच्छा काम करेंगे और अपना नाम, अपना शॉप का नाम बहुत ऊंचा करेंगे, और हम एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम आप लोगों के साथ लाइफ टाइम जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर, पूरी एशिया टेलीकॉम की टीम को दिल से धन्यवाद देना चाहते। थैंक यू। एक साथ कहेंगे इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। Get set, go! Yes, sir! Asia ka number one institute kaun hai? Yes, sir!